तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गेम प्ले। एंड गाइस, अपने फ्री फायर के अंदर यहाँ पे मैजिक कार्ड का एक नया इवेंट ऐड हो चुका है, जो कि पूरे पूरे 4 अक्टूबर से 10 तारीख तक चलने वाला है गाइस। एंड यहाँ पे दिया गया है, आप विन दोनों बंडल्स को कर सकते हो भैया, यहाँ पे इलुसोरी ग्रफिन एंड यहाँ पे मैजिकल फॉक्स को। तो गाइज, यहाँ पे इस इवेंट में आज हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे गाइज। एंड यहाँ पे चलिए, हम चलते हैं पूरे के पूरे अपने इवेंट के अंदर। एंड गाइज, जैसे ही अपने इवेंट के अंदर प्रवेश करते हैं, तो गाइज यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग का ये दोनों बंडल आपको मिल सकता है भैया। लेकिन ये इवेंट के बारे में पहले हम बात कर ले गाइज। तो यहाँ पे दिया गया फ्लिपकार्ट टू विन, आप मतलब ये बंडल दोनों जीत सकते हो। एंड यहाँ पे भैया भैया जो इवेंट 6 दिनों के लिए दिया गया है लगभग, में तो बात कर लिया जाए इस चीज़ों के ऊपर, थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो गाइज, अगर आप पर फ्लिप करते हो तो पर फ्लिप में आपके 50 डायमंड लगने हैं। तो यहाँ पे गाइज मतलब ये नहीं है कि आप एक बार फ्लिप कर देते हो तो दूसरा प्राइस आपका बढ़ जाएगा, दूसरा प्राइस भी 50 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर किसी आइटम को अगर आप रिमूव कर देते हो, रिमूव कार्ड का ऑप्शन नीचे दिया गया है गाइज। देखिए, रिमूव कार्ड का ऑप्शन के लिए आपको 99 डायमंड्स लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे इवेंट फ्री फायर के अंदर आते रहते हैं, जिसमें कि टेस्टिंग करते हैं यूट्यूबर्स, एंड कुछ लोगों का चांस होता है कि बंडल यहाँ पे निकल जाएगा इस। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ के बारे में आज पूरा बात करूँगा। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे आप पहले यहाँ पे अपना हिस्ट्री देख सकते हो, जो भी हिस्ट्री आपका देखना है, केमिस्ट्री देखना है, बायोलॉजी देखना है, सनी लियोनी का जो भी देखना है यहाँ से आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे फाइनली आ जाता है हाउ टू प्ले। तो यहाँ पे गाइस आपका हाउ टू प्ले पे पहले एक बार क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, दिया गया है क्लिक ऑन ए कार्ड टू फ्लिप फॉर ए चांस टू विन। अच्छा, आप ये दोनों बंडल जीत सकते हैं कार्ड पे क्लिक करके। तो यहाँ पे फ्लिप करेंगे गाइस, तो इसके लिए आपको इतने सारे डायमंड्स लगाने पड़ सकते हैं, 50 डायमंड पर के। लेकिन यहाँ पे गाइस ये दिया गया है कि आइटम को आप शायद रिमूव नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पे कार्ड पोजीशन विल बी, अच्छा आप यहाँ पे रीसेट हो जाएगा पोजीशन, ठीक है गाइस। तो आप फ्लिप करेंगे तो कार्ड पोजीशन जो है होगा वो रीसेट हो जाएगा। तो ये एक तरह से ये फ्री फायर पैसा खाने के चक्कर में लग गया है। यू कैन ऑल्सो परमानेंटली रिमूव, अच्छा मतलब आप परमानेंट रिमूव करते हो गाइस, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज चांस होता है, मतलब आप इंक्रीज हो जाते हैं इस चीज़ों के लिए, ग्रैंड प्राइज के लिए। एंड यहाँ पे आप बोनस भी पा सकते हैं ऐसा कुछ। तो ऐसे इसके लिए आपको 99 डायमंड्स लगाने पड़ सकते हैं अगर आप। और यहाँ पे दिया गया है कि इवेंट एंड्स यू, अच्छा व्हेन यू हैव वन, अच्छा बोथ आप जो बंडल जीतते हैं वो, अच्छा इवेंट मतलब एंड हो जाएगा जब अगर आप ये बंडल जीत सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बंडल जीतते हैं तो इवेंट एंड हो जाएगा आपके लिए। तो खैर एक तरह से अच्छा है, नहीं तो भाई डायमंड कौन बर्बाद करेगा, कि ये दोनों मिल जाता तो एंड ही होगा। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो इवेंट डिटेल, इवेंट डिटेल में भी आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है पूरे 4 तारीख से 10 तक चलने वाला। एंड यहाँ पे इवेंट डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बंडल जो है पूरे के पूरे 9 कार्ड्स में ऐड किया गया। एंड यहाँ पे दिया गया है आपको 50 डायमंड बर्बाद करना होगा पर फ्लिप पे। एंड यहाँ पे गाइस मतलब कि कार्ड आपका क्लोज होगा तो अच्छा, ओके चलिए। तो यहाँ पे गाइस चलिए हम सीधा यहाँ पे देख भी लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कार्ड पोजीशन विल बी, अच्छा वो तो इस फ्लिप में मतलब कि होता रहता है। और यहाँ पे रिमूव ए कार्ड पर, अच्छा इंक्रीज परमानेंटली, तो रिमूव कार्ड करने के लिए मतलब 99 डायमंड लगाने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे रिमूव करते हो तो मैंने पहले ही बताया कि आपका चांस होता है थोड़ा जीतने का। और यहाँ पे गाइस उसके लिए आपको बहुत सारे डायमंड्स लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे रिमूव फर्स्ट कार्ड को आप स्माइली जो है पैराशूट मिलेगा। एंड यहाँ पे सेकंड में आपको देखने को मिल जाएगा भैया डायमंड और वाउचर। थर्ड को रिमूव करते हैं, रिमूव थर्ड टा कार्ड, तो यहाँ पे मतलब आपको सर्वबोर्ड देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ वेपन रॉल वाउचर, मतलब बहुत लूट वॉक देखने को मिल जाएगा, मतलब इंक्यूबेटर वाउचर देखने को मिल जाएगा, मास्क देखने को मिल जाएगा। सातवा अगर आपको रिमूविंग सेवन कार्ड दिया गया है। और यहाँ पे इवेंट इन यू, अच्छा है वेन बोथ आप दोनों, ओके तो ये तो मैंने पहले ही पढ़ लिया। तो गाइज ये इतना कुछ कंडीशन है इसका, तो इसके लिए आपको डायमंड्स को बर्बाद करना होगा गाइस। तो चलिए हम पहले अपना फ्लिप कर लेते हैं फर्स्ट फ्लिप, क्योंकि गाइस इसमें बर्बाद करने पड़ सकते हैं हम लोग बहुत सारे डायमंड। तो यहाँ पे फर्स्ट डायमंड हम लोग बर्बाद करते हो गाइस, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर ही लेते हैं, या फिर चलिए फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करते हैं तो एक तरह से अच्छा ही होगा। चलिए इसके 50 डायमंड, और इसके लिए गाइस आपको लगाने पड़ सकते हैं इतने सारे डायमंड। फर्स्ट फ्लिप में हमें गन का बॉक्स मिल गया गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है। और गन का बॉक्स मिल गया तो एक तरह से अच्छा है, देखते हैं गाइस क्या होता है, कंफर्म हम कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे पोजीशन कार्ड का पोजीशन बदल दिया गया है, और आपका यहाँ से कार्ड का पोजीशन बिल्कुल ही बदल गया है। और आप अगर कोई भी फ्लिप करते हो तो जब तक ये दोनों बंडल आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको 50 डायमंड 50 डायमंड 50 डायमंड 50 डायमंड करके बर्बाद करना होगा।
लेकिन कोई चांस नहीं है कि किसके अंदर से आपका ये बंडल निकलने वाला है, क्योंकि हर बार चेंज हो जाएगा पोजीशन। और यहाँ पे अगर आप रिमूव कार्ड दिया गया है, तो अगर आप कार्ड को रिमूव करते हो तो यहाँ से गाइज आपका ये कार्ड परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से भैया रिमूव करते करते यार 9 तक पहुँच जाते हो। तो आप अगर पहला रिमूव करते हो, चलिए मैं आपको पहला रिमूव करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम इसे रिमूव करते हैं गाइज, तो यहाँ पर पहले रिमूव करने में तो हमें लोरा कैरेक्टर का फ्रेगमेंट मिला, और इसके लिए मेरे को 99 डायमंड्स लगाने पड़े पहले रिमूव के लिए। कोई नहीं, हम पहला रिमूव कर दिए गाइस। एंड यहाँ पे कार्ड का पोजीशन फिर से बदल दिया गया है, लेकिन कार्ड रिमूव करने पे भी गाइस यही सेम टू सेम सिचुएशन रहा था। कार्ड रिमूव किए थे कि उस पर क्लिक किए थे? नहीं गाइस, शायद हम लोगों ने क्लिक किया था, पता नहीं, हिस्ट्री में थोड़ा देख लेते हैं क्या किया था हम लोगों ने। तो अच्छा, क्लिप ही किया था गाइस। तो यहाँ पे आप रिमूव एक करके दिखाए थे आपको, तो यहाँ पे चलिए हम चौथा रिमूव करके दिखा। अच्छा एक मिनट, मेरे को कार्ड रिमूव करना है, तो चलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं गाइज। तो पहला हमें स्माइली मिला है, और ऐसे अगर आप रिमूव करते हो तो आपको इनक्यूबेटर वाउच वगैरह वगैरह में जो बताया वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर से कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आपको, तो गाइज इसके अंदर से डायमंड आपको बर्बाद करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं सिंपल ही मैं आपको समझा दिया कि इसके अंदर से आपका डायमंड बर्बाद होने वाला है। अगर देखिए आपको 199 डायमंड्स लगाना पड़ेगा अगर दूसरे को रिमूव करते हो, तो ऐसे अगर आप रिमूव करते चलोगे दोनों बंडल के लिए तो ही जाके आपका ये मिल पाएगा। तो इसके अंदर से आपका 1000-1500 भी डायमंड बर्बाद हो सकता है, ये मैं मेरा ओपिनियन कह रहा है। तो भाई लोग इसके अंदर आप जाकर के अपना डायमंड बर्बाद मत कीजिएगा, ये मैं ये सजेस्ट करने वाला हूँ आपको, क्योंकि इतने सारे डायमंड थे मेरे पास, 18000 के करीब डायमंड थे और ये बर्बाद हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके अंदर से डायमंड आप लोग भी बर्बाद करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड सतर्क रहिए, सावधान रहिए, यूनिक गेम प्ले चैनल पर बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डायमंड बर्बाद मत कीजिएगा।